हेलो लर्नर, स्वागत है आपका ई लर्नम के यूट्यूब चैनल पे। ई लर्नम वेदेमी, हाँ ई लर्नम हो गया है अब वेदेमी। ठीक है, तो आप सबका वेदेमी के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, तो अब मैं तो यहाँ पे ये नाम भूल गई कि ई लर्नम अभी जस्ट जस्ट चेंज हो गया है वेदेमी में। ठीक है, लेकिन आप भूल नहीं सकते। ठीक है, आपको याद रखना है कि ई लर्नम जो है वो अब हो गया है। ई लर्नम का नया नाम जो है वो वेदेमी है। ठीक है, हम बहुत सारे नई एनर्जी के साथ, नई चीज़ों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे वापस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको करनी है कई सारे एग्जाम्स की तैयारी। ठीक है, तो एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम भूल गए, कंफ्यूज हो गए तो बिल्कुल भी बैंड बज जाएगी, हमारी पूरे प्रिपरेशन की बैंड बज जाएगी। ठीक है, तो हमको याद रखना है कई चीज़ें जिनके लिए मैं ला रही हूँ यहाँ पे एक ट्रिक सीरीज। ठीक है, नैमोनिक्स के फॉर्म में आएंगे ट्रिक्स जो हैं, या फिर कुछ अलग अलग तरह के ट्रिक्स आते रहेंगे जिससे आपको चीज़ें जो हैं याद करने में बहुत आसानी होगी, आप आसानी से चीज़ें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि आज जो है हम एमाइनो एसिड्स पे नैमोनिक्स ला रहे हैं। ठीक है, तो एमाइनो एसिड्स के नैमोनिक शॉर्ट्स में क्या क्या है देखते हैं। ठीक है, तो एमाइनो एसिड के नैमोनिक शॉर्ट में आज हम कवर करेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के ट्रिक्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के ट्रिक, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स के ट्रिक, कि ग्लूकोजेनिक कौन सा है और कीटोजेनिक कौन कौन सा है। ठीक है, उस तरह से एलिफैटिक चेन के अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, OH ग्रुप कंटेनिंग कौन से हैं, सल्फर ग्रुप कंटेनिंग कौन से हैं, और एरोमेटिक, पोलर, नॉन पोलर, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, सबका पैकेज नेमोनिक का लेके हम इस सीरीज में आए हैं। ठीक है, तो ज़रूर देखना, एंड तक देखना और बताना कि ये आपको कैसी लगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए हम में से बहुत सारे लोग एनिमे देखते हैं। ठीक है, बहुत फॉन्ड ऑफ होते हैं, तो जो भी है एनिमे में वो क्या है, जैपनीज नेम्स होते हैं ना, शाकुरा, नारुतो, हीटोरो। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ हम कंसीडर करेंगे कि एक प्रोफेसर है जिसका नाम हीतो योरो है। ठीक है, और उसके घर का एड्रेस G3A4C है। ठीक है, अब ये देखना आपको कितना हेल्प करेगी तुरंत एक चीज़ याद करने में, मैं देख दिखा रही हूँ, है ना। तो ये प्रोफेसर साकुरा है। अब हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की लिस्ट है जिसमें एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पारजिन, एस्पार्टेट, ठीक, चार ए से स्टार्ट होने वाले अमाइनो एसिड हैं। इसने हमने इसको किससे डिनोट कर लिया, ए फोर से। ठीक, ऐसे ही सिस्टीन है, सी से डिनोट हो रहा है। तीन हमारे पास जी से स्टार्ट होने वाले अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हमने जी से डिनोट किया है। ठीक है, कौन कौन से, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, इनको हमने G3 बना दिया। ठीक, इसके बाद बचा हमारे पास प्रोलिन, सीरीन, हिस्टिडीन एंड टायरोसिन। ठीक है, सीरीन को हमने एस ई से कर लिया और हिस्टिडीन एस ई आर से कर लिया, हिस्टिडीन को एच आई से कर लिया और टायरोसिन को TYRO से कर लिया। ठीक है, अब ये बन जाएगा नाम प्रोफेसर हितयोरो। ठीक है, प्रोफेसर हितयोरो, और उनके घर का एड्रेस क्या हो जाएगा, G3A4C। क्या हो रहा है, G3A4C। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, प्रोफेसर हितयोरो G3A4C, उनके घर का एड्रेस है G3A4C। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जिसमें प्रोफेसर प्रो क्या है, प्रोलिन, SER प्रोफेसर का सीरीन, ही तो ही क्या है, हिस्टिडीन, टेयोरो क्या है, ही तो योरो, टायरोसिन। ठीक है, G3, बाकी जी से ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट और ग्लाइसिन, A4 एलानाइन, आर्जिनाइन, एस्पर्जिन और एस्पार्टेट, और सी क्या है, सिस्टीन। ठीक, तो ये शॉर्ट आउट हो गया नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड याद करना कितना इजी रहा, है ना, प्रोफेसर हितो योरो G3A4C। ठीक है, तो ये याद करना बहुत इजी हो गया। अब हम देख लेते हैं, अब ऐसा है कि अगर आपको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स याद हो गए, ठीक है,
कि ये है प्रोफेसर हितो योरो G3A4C। तो बाकी बच्चे जितने अमाइनो एसिड होंगे वो ऑब्वियसली इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे, तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, आप कोई भी एक ट्रिक जो आपको नॉन इसेंशियल में इजी लगे या इसेंशियल में इजी लगे वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। कि अगर इसेंशियल वाला इजी लगे तो इसेंशियल वाला याद कर लेना, नॉन इसेंशियल वाला इजी लगेगा तो नॉन इसेंशियल वाला याद कर लेना, ठीक है। तो नॉन इसेंशियल का हो गया प्रोफेसर हितो योरो G3A4C, ठीक है। नॉन इसेंशियल याद किया, बाकी के बच्चे इसेंशियल हो गए, ठीक है। इसेंशियल याद किया, बाकी के बच्चे जो है वो क्या हो गए, नॉन इसेंशियल हो गए। तो ये याद हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, अगर इसेंशियल अमाइनो एसिड हमको याद रखना है कि इसेंशियल कौन कौन से हैं, ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी बन रही है, ठीक है। पहले तो स्टोरी में बाद में बताती, पहले हम क्या कर रहे हैं, मेथियोनिन को हमने एक फीमेल का नाम दिया है, उसका नाम क्या है, मिथी। मिथी क्या नाम है, मिथी, मिथी, मिथी जो भी बोल लो, ठीक है। फिर थिरियोनिन, थिरियोनिन का नाम दिया है हमने THRE, जिसको हम बोल रहे हैं थारे, थेरे, तेरे, थारे, जो भी बोल दो, थारे, थेरे, ठीक है। फिर ऐसे ही वैलिन, ठीक है, वैलिन के लिए हमने नाम दिया है बालियां, बालियां होती है ना चांद बालियां, वैसे ही बालियां, ठीक है। वैसे ही ट्रिप्टोफैन के लिए हमने क्या नाम दिया है, TRY, ट्राई, ठीक है। आइसोल्यूसिन और लाइसिन दोनों के लिए हमने एक वर्ड बनाया, इसलिए, क्या, इसलिए। फेनिलएलनाइन के लिए बनाया फैन, पहन, पहन, ठीक। ल्यूसिन के लिए ल्यू, ठीक है। तो अब एक पूरा सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा, मिठी तेरी वाली ट्राई करनी है इसलिए पहन ली, मिठी तेरी वाली ट्राई करनी है इसलिए पहन ली। एक लेडी है, इसके पास बाली है, बालियां हैं, ठीक है, वालियां हैं, उसके फ्रेंड्स को, फ्रेंड को चाहिए था, उसने उसको पहननी थी, उसको ट्राई करनी थी, तो उसने उसे ले ली और क्या सेंटेंस बोला, मिठी तेरी बालियां ट्राई करनी थी इसलिए पहन ली, ट्राई करनी थी इसलिए पहन ली। तो सेंटेंस बन रहा है, मिठी तेरी वाली ट्राई करनी थी इसलिए पहन ली, ठीक है। तो ये भी ईजी है, ठीक है, प्रोफेसर हितो योरो G3A4C, ये भी ईजी है। या फिर मिठी तेरी वालियां ट्राई करनी थी इसलिए पहन ली, ये भी इजी है। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से चाहे जो एक याद रख लो, दोनों याद रखनी है, दोनों याद रख लो, ठीक है। एक याद रख लोगे, बाकी बच्चे जो हैं वो दूसरे हो जाएंगे, ठीक है। अगर नॉन इसेंशियल याद कर रहे हो तो इसेंशियल हो जाएगा, बाकी बचा हुआ इसेंशियल याद कर रहे हो तो बाकी बचा हुआ नॉन इसेंशियल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बारी आएगी ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक बोथ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक और ग्लूको कीटो दोनों कौन कौन से हैं, जो दोनों आते हैं ना, जो दोनों कैटेगरी में आते हैं, ग्लूकोजेनिक भी हो कीटोजेनिक भी हो, उसमें ये तीन अमाइनो एसिड्स हैं, कौन कौन से हैं, ट्रिप्टोफैन है, आइसोल्यूसिन है और फेनिलएलनाइन है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर हम अमाइनो एसिड कोड्स को देखो तो ट्रिप्टोफैन जो होता है वो डोनेट होता है W से, आइसोल्यूसिन डिनोट होता है I से और फेनिलएलनाइन जो है वो डिनोट होता है F से। तो हमने क्या बना लिया, इससे एक वर्ड बना लिया, वाइफ, ठीक है। कीटोजेनिक जो है, कीटोजेनिक दो अमाइनो एसिड हैं, लाइसिन और ल्यूसिन, ठीक है, जिनको हम अगर कोड में डिनोट करते हैं तो के और एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, के और एल से डिनोट करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, ग्लूकोजेनिक कीटोजेनिक बोथ वाली कैटेगरी याद रखनी है और कीटोजेनिक वाली कैटेगरी याद रखनी है, ठीक है। बच्चे वाले जो भी होंगे वो सारे ग्लूकोजेनिक के लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर ऊपर के दो याद रखोगे तो बचे हुए सारे जो हैं वो ग्लूकोजेनिक के लिस्ट में आ जाएंगे। अब ऊपर वाले दो कैसे याद होंगे, कीटोजेनिक के लिए KL है और ग्लूकोजेनिक के लिए, ग्लूको कीटो दोनों के लिए वाइफ है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे KL राहुल की वाइफ, ठीक है। KL राहुल को हम में से सब जानते होंगे, ठीक है, सब जानते होंगे, स्पेशली लड़के भी जानते होंगे, लड़कियां भी कम नहीं है, वो भी आजकल बहुत सारे बहुत क्रिकेट की फैन हो रखी है, ठीक है। तो KL राहुल को भी जानते होंगे, सुनील शेट्टी को भी जानते होंगे और उनकी लड़की आतिया शेट्टी को भी जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे हो, ये KL राहुल हैं, सुनील शेट्टी हैं और ये उनकी वाइफ हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है KL राहुल की वाइफ, KL राहुल, KL क्या डिनोट करेगा, KL से आप दो चीजें याद रखते हो, ठीक है। KL से आप दो चीजें याद रख सकते हो, K जो है वो यहाँ आपको लाइसिन भी डिनोट करेगा
और यही के आपको कीटोजेनिक भी डिनोट करेगा। तो यानी कि आप जब के एल याद रखते हो तो आप दो चीजें याद रखते हो कि ये कीटोजेनिक है प्लस इसमें लाइसिन है, और एल एल जो है वो ल्यूसिन को दिखा रहा है। तो आपको के एल कीटोजेनिक लाइसिन ल्यूसिन हो गया। ठीक है, वाइफ से हम क्या याद रख लें, डब्ल्यू ट्रिप्टोफैन। ठीक है, आई से आइसोल्यूसिन, और एफ से क्या याद रख रहे हैं, एफ से हम याद रख रहे हैं फेनाइलएलानिन। ठीक, तो ये शॉर्ट हो गया कि जो आपके कीटोजेनिक हैं वो केएल हैं, और जो कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों हैं वो डब्ल्यू आई एफ हैं। ठीक है, अब बचा हुआ जो होगा रेस्ट अमाइनो एसिड होगा वो सिर्फ ग्लूकोजेनिक होगा। ठीक, तो ये भी चीज मुझे लगता है याद करनी बहुत आसान है, इतना शॉर्ट सिंपल सा सेंटेंस है, केएल राहुल की वाइफ, कोई भी याद कर लेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा जो है अमाइनो एसिड विथ एलिफैटिक साइड चेन। एलिफैटिक साइड चेन के साथ कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, उसके लिए हमको एक वर्ड रखना याद रखना है, ग्वालिन। ग्वालिन ग्वालिन हम सब जानते हैं। ठीक है, जो गाय पालते हैं लोग, ठीक है, उनको ग्वाला, और जिनके घर में लेडीज होती हैं अगर वो पाल रही हैं तो हम उनको ग्वालिन बोलते हैं। ठीक है, ग्वालिन, तो आपको ग्वालिन याद रखना है एलिफैटिक साइड चेन के केस में। ठीक है, ग्वालिन में क्या है, जी डिनोट कर रहा है ग्लाइसिन को, वी ए डिनोट कर रहा है वैलिन को। ठीक है, ऐसे ही ए डिनोट कर रहा है एलेनिन को। अब यहाँ पे देखो वैलिन भी याद आ जाएगा आपको, एलेनिन भी याद आ जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ही ये ल्यूसिन को, एल जो है ल्यूसिन को डिनोट कर रहा है, और उसके बाद किसको डिनोट कर रहा है, ये आइसोल्यूसिन को। ठीक है, तो ये भी याद करना कितना आसान हो गया कि एलिफैटिक साइड चेन जो है वो ग्वालिन है। क्या है, ग्वालिन है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें साइड चेन में OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो OH ग्रुप के लिए तीन अमाइनो एसिड्स होते हैं, टायरोसिन, थेरियोनिन एंड सेरिन। ठीक है, अगर हम इसमें ओहो वर्ड यूज किया है हमने, ओहो वर्ड क्यों यूज किया है, OH ग्रुप को याद रखने के लिए कि OH ग्रुप जो है उनके लिए ये सेंटेंस है। ठीक है, ओहो, फिर टाई, टाई वर्ड यूज किया है टायरोसिन के लिए, थ्री वर्ड यूज किया है थेरियोनिन के लिए, और सारी वर्ड यूज की है सीरिन के लिए, और मिला के हमने जो सेंटेंस बनाया वो ये है कि ओहो टाई थ्री सारीज, टाई थ्री सारीज। ठीक है, तो तीन साड़ियां बांधना है। ठीक है, इसमें तीन साड़ियां बांधनी है, तो ओहो टाई थ्री सारीज। ठीक है, आपको ये याद रखना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड हो रहा होगा बट अगर याद करने की कोशिश करोगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है, तो क्योंकि ये कंफ्यूजन से बचाएगा आपको। अगर आपने ऐसे याद कर लिया तो आपको याद आएगा कि अरे टायरोसिन, थ्रियोनिन, सीरिन कौन से ग्रुप में था, कौन से ग्रुप में था, ऐसा करते रहोगे। लेकिन अगर आपने याद कर लिया ओहो टाई थ्री साड़ी, ठीक है, तो आपको लगेगा ओहो OH है इसमें। ठीक है, OH है, फिर थ्री साड़ी है, टाई थ्री साड़ी, टायरोसिन, थ्रियोनिन और सीरिन। ठीक, तो ये चीजें याद करनी आसान हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में है विथ साइड चेन कंटेनिंग सल्फर। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड दो ही होते हैं, मैथियोनिन और सिस्टीन। ठीक है, उनके लिए वन वर्ड याद कर सकते हो, वो है MSC। ठीक है, MSC की डिग्री याद रख सकते हो। तो M फॉर मिथियोनिन, S फॉर सल्फर एटम, और सिस्टीन C जो है वो सिस्टीन के लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स को देखना हो कि किनमें एरोमेटिक रिंग होते हैं, तो ये कुछ अमाइनो एसिड होते हैं, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलानिन और टायरोसिन। ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो एरोमेटिक रिंग कंटेन करते हैं। ठीक है, इनको कैसे याद रखेंगे, इनको हम याद रखेंगे वर्ड हिस्ट्री ऑफ टाइफॉइड, कैसे याद रखेंगे, हिस्ट्री ऑफ टाइफॉइड। ठीक है, जिसमें हिस जो है, हिस वर्ड है हिस्टिडीन के लिए, ट्री वर्ड जो है, ट्री है ट्रिप्टोफैन के लिए। ठीक है, फेनिलएलानिन के लिए, फॉइड, फॉइड में जो ये फॉइड है ना, फॉइड, ये फेनिलएलानिन के लिए है, और टायरोसिन के लिए टाई है, टाइफॉइड। ठीक है, इस तरह से याद रखना है, हिस्ट्री ऑफ टाइफॉइड। ठीक है, अब बात हुई है हिस्ट्री ऑफ टाइफॉइड की, तो मैं ये भी बता दूं, आप लोग चेक कर लेना यूट्यूब पे, और मूवीज भी बनी हुई है इस पे, तो YouTube पे भी चेक कर सकते हो, न्यूज में भी चेक कर सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो, अच्छी चीज है, इंटरेस्ट आएगा, बस ऐसे जस्ट फॉर नॉलेज
जैसे हम मूवीज और वेब सीरीज देखते हैं वैसे इसको भी देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ टाइफॉइड में एक लेडी थी मैरी मोलॉन नाम की, ठीक है। मैरी मोलॉन जो थी उनको द कुक ऑफ डेथ भी कहा जाता है। कुक ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको कुक ऑफ डेथ भी बोला जाता है, टाइफॉइड मैरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये जिनसे भी मिलती थी, जिनसे भी कॉन्टेक्ट में आती थी, उस हर हर फैमिली में टाइफॉइड जो है स्प्रेड हो जाता था। तो ये बहुत फेमस कैरियर मानी जाती हैं टाइफॉइड की, और इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने अमेरिका की गवर्नमेंट ने इन्हें 26 ईयर्स के लिए आइसोलेशन में रखा था, क्वारंटीन करके रखा हुआ था, ताकि बाकी लोगों को टाइफॉइड जो है वो स्प्रेड नहीं हो, ठीक है। तो क्या हुआ था, इन्होंने टोटल 51 पीपल्स को टाइफॉइड स्प्रेड किया था, जिसमें से 3 जो थे वो मर गए, और इनने 26 ईयर क्वारंटीन में स्प्रेड किया था, ठीक है। तो ये हो गई हिस्ट्री ऑफ टाइफॉइड की बात, जो कि ज़रूरी नहीं थी फिर भी हमने कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं आगे पोलर एमाइनो एसिड और नॉन पोलर एमाइनो एसिड की, ठीक है। तो आपको पोलर में एक ट्रिक याद रखनी है, बाकी जो बचेंगे वो सब नॉन पोलर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पोलर एमाइनो एसिड में ये ट्रिक याद रखनी है कि पोलर कौन कौन से हैं। पोलर में 5 एमाइनो एसिड हैं, पहला एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, थ्रियोनिन, टायरोसिन और सीरीन, ठीक है। एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, थ्रियोनिन, टायरोसिन और सीरीन। एस्पार्जिन को हमने एक नया नाम दिया है, असिन, असिन ये किसी लेडी का नाम है, ठीक है, किसी लेडी किसी लड़की का नाम है, असिन नाम है। असिन से क्या डिनोट होता है, पहला तो एस्पार्जिन डिनोट होता है, ठीक है। लेकिन एस्पार्जिन में क्या है, एस्पार्टेट भी आता है और एस्पार्जिन भी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो एएस से सिर्फ कि एस्पार्टेट था कि एस्पार्जिन था। तो यहाँ पे जब असिन आई एन लगाया हमने, आई एन, तो वो इसलिए लगाया कि आपको ये याद हो जाए कि ये इन वाला है, एट वाला नहीं है, एस्पार्टिक वाला नहीं है, एस्पार्टिक एसिड नहीं है, एस्पार्टेट नहीं है, ये है एस्पार्जिन, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाएगा एस्पार्जिन। घूमे, ग्लूटामाइन को हमने घूमे से लगाया, तो आपको जी से याद हो जाना चाहिए कि घूमे, गू है, जी यू आया है, तो वो ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन नहीं है, ग्लूटामाइन है। और माइन कैसे है, ग्लूटामेट कैसे है, नहीं है, ये आपको कैसे याद रखे रहेगा, असिन की वजह से। असिन घूम रही है तो आपको याद रहेगा कि अगर ये एस्पार्जिन है तो ये भी जो है वो ग्लूटामिन है, ग्लूटामेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो थ्रियोनिन है, थ्री, और टायरोसिन को टायर, और सीरिन को से, मतलब असिन घूमे थ्री टायर से, ऐसा असिन नाम की जो लड़की है वो थ्री टायर के व्हीकल से घूम रही है, असिन घूमे थ्री टायर से, और थ्री टायर की व्हीकल ये जो है ऑटो है, इससे जो है असिन घूम रही है। तो आपको ये याद रखना है कि पोलर एमाइनो एसिड के लिए असिन जो है वो घूम रही है थ्री टायर से, तो ये आपको याद हो जाएगा। बाकी जो बचेंगे, बाकी सारे जो होंगे वो नॉन पोलर की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज एमाइनो एसिड क्या है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एमाइनो एसिड 3 है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। इनको हम कैसे याद रखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे हीर पोछा लाई, ठीक है। क्या याद रखेंगे, हीर पोछा लाई, ये हीर नाम की कोई बंदी है जो पोछा लेके आ रही है, ठीक है, पोछा ला रही है। तो हीर से क्या याद हो जाएगा, हीर, एच आई से हिस्टिडीन, आर से आप जानते हो आर आर्जिनिन को डिनोट करता है, तो आर आर्जिनिन के लिए हो गया, तो हीर का शॉर्टेट हो गया हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ठीक है। ऐसे ही पोछा, पोछा के लिए, पोछा क्यों यूज किया गया है, पोछा यूज किया गया है ये याद रखने के लिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज एमाइनो एसिड है, तो पो फॉर पॉजिटिवली, छा फॉर चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एमाइनो एसिड, ठीक है। और लाई, लाई फॉर लाइसिन, तो आप जब भी याद रखोगे कि हीर पोछा लाई, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा हिस्टिडीन आर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन, ठीक है, हिस्टिडीन आर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन, हीर पोछा लाई। ऐसे ही जब नेगेटिवली चार्ज एमाइनो एसिड्स की बात होगी, तो यहाँ पे 2 एमाइनो एसिड हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमने पिछले वाले कैटेगरी में एस्पार्जिन के लिए असिन यूज किया था, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट के लिए हमने आस पास वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है, आस पास, ठीक है। ग्लूटामिक के लिए क्या यूज किया है, गोली, गोली, ठीक है, गोली, ठीक, कोई लड़की है उसका नाम गोली है, तो हमने यूज किया है आस पास गोली,
फिर नाचे, नाचे से क्या है एन ए एन से निगेटिवली, और छे, छे से क्या है चार्ज, नाचे आपको याद रख जाएगा इससे, जैसे ऊपर पोछा से याद हो रहा था कि पॉजिटिवली चार्ज है, वैसे ही नाचे से याद होगा कि ये निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो है ना इजी कि आस पास गोली नाचे, ठीक है ये गोली है, ठीक है ये नाचती है, अभी ये नाच के दिखाएगी, है ना नाचाना है ऐसा, तो आस पास गोली नाचे, तो ये गोली नाच रही है, तो आपको नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड याद हो जाएगा कि एस्पार्टे ग्लूटामेट नेगेटिवली चार्ज। ठीक, कितना इजी था। अब ऐसे ही हम और भी ट्रिक सीरीज लाते रहेंगे आपके लिए वैदेमी के इस नए प्लेटफॉर्म पे, और आप हमसे उम्मीद है कि आप सब हमसे जुड़े रहेंगे, ऐसे ही हमें प्यार करते रहेंगे। ठीक है, आप अपने रिव्यूज़ जरूर हमें कमेंट सेक्शन में देना कि आपको कैसी लग रही हैं ये नेमोनिक सीरीज, ट्रिक सीरीज की वीडियोस जो हैं, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम और सारा कंटेंट आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।